हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पल्लवी बिसेन, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएमसी शेड्यूल। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे प्राइवेट कॉलेज को लेकर के, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज हमारे चैनल पर आया है एक स्पेशल गेस्ट सृष्टि। तो सृष्टि आज हम लोगों के सारे डाउट सॉल्व करेगी प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड। हेलो सृष्टि। हाय पल्लवी। हाँ तो सृष्टि, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब तुमने एक अमलतास इंस्टीट्यूट चूज कर लिया, अब ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुके हैं, तो अपना एक्सपीरियंस बताओ कि तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है। अगर तुमने प्राइवेट कॉलेज लिया तो ऐसा, मतलब फीलिंग कैसी है तुम्हारी कि तुम्हें गवर्नमेंट लेना चाहिए था, तुम्हारा डिसीजन सही था नहीं था, या मतलब ड्रॉप करना चाहिए था, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो ओके, सो पल्लवी, ड्रॉप तो कोई ऑप्शन था नहीं क्योंकि ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुके थे एंड हम साथ पढ़े हैं, तुम्हें भी पता है कि काफ़ी एक दूसरे को स्ट्रगल करते हुए हम दोनों ने देखा है। तो ड्रॉप कोई भी एक ऑप्शन नहीं था, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करूं या फिर BMS गवर्नमेंट करूं, क्योंकि मेरे जितने मार्क्स थे वो उस पर ईजिली मुझे कोई भी गवर्नमेंट BMS मिल जाता। लेकिन जब पता चला स्कॉलरशिप मिल रही है और फिर जब पूरा फीस गवर्नमेंट ही पे कर रही है, हमें बस हॉस्टल फी पे करना है, देन आई थॉट कि वाई नॉट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। आफ्टर ऑल वो भी सेम ही होते हैं एज लाइक गवर्नमेंट, बस हाँ थोड़ी सी चीज़ें होती है, चेंजेस होती है, अदरवाइज दे आर ऑल्सो। हाँ मतलब प्राइवेट कॉलेज से ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आपको कॉलेज मिलता है और आपको एडमिशन मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली एडमिशन ले लेना चाहिए। अब सेकेंड चीज आती है प्राइवेट कॉलेज की फीस को लेकर के, क्योंकि ट्यूशन फीस तो हमें पूरी गवर्नमेंट पे कर देती है प्राइवेट कॉलेज की स्कॉलरशिप के थ्रू। सेकेंड चीज आती है हॉस्टल फी, तो तुम हॉस्टल फी के बारे में बताओ कि क्या होती है हॉस्टल फी। श्योर, एक्चुअली हाँ, तो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर होता है, तो अभी जो लगी है हमारी फीस जितने भी हमको पे करना पड़ा, इट वॉज 2,50,000। सो इसमें हॉस्टल फी हमारी 1,25,000 थी एंड स्टूडेंट फंड था, जिसमें जो भी इवेंट्स होते हैं कॉलेज पर या मैनेजमेंट होता है कॉलेज या फिर फेस्ट होते हैं तो उसके लिए 1 लाख भरना होता है, एंड 25,000 जो होता है कॉशन मनी होता है। सो अभी फिलहाल तो 2,50,000 फर्स्ट ईयर का होता है, प्लस बॉन्ड बनते हैं जो हर एक मेडिकल कॉलेज में बनते हैं, सो इट वॉज ऑफ 33,400। तो ये जो बॉन्ड है, ये तुम वो दोनों बॉन्ड के स्टाम्प पेपर की बात कर रही हो, जो हमें भी लगा है। रूरल सर्विस बॉन्ड प्राइवेट कॉलेज में 5 ईयर का होता है और सीट लिविंग बॉन्ड होता है, तो ये उस बॉन्ड के अमाउंट की बात कर रही है जो आपको हर कॉलेज में देना होता है। तो ये आपको बॉन्ड के स्टाम्प पेपर बनवाने होते हैं, तो ये उसका अमाउंट है। तो इतना अमाउंट एक्स्ट्रा लग जाता है ट्यूशन फीस के बाद आपको कॉलेज में, एक प्राइवेट कॉलेज में। और कुछ एक्स्ट्रा फीस जैसे ड्रेस बुक्स, क्योंकि देखो गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा होता है आपको ट्यूशन फीस के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट बहुत ही कम लगता है, नहीं देना होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले आपकी ड्रेस बुक्स बाकी वो खुद अरेंज करके देते हैं, इसलिए इन सब चीजों का वो लोग चार्ज करते हैं, तो वो अमाउंट भी बता दो। लेते हैं आप तो इट इज, जैसे हमारे कॉलेज में तो इट इज 5,000 सबके कॉलेज में, और हर कॉलेज की हॉस्टल फीस भी अलग है। टू ब्लेजर्स, यस एग्जैक्टली, सो इट इंक्लूड्स योर 1 ब्लेजर, सॉरी 2 aprons एंड 2 dress होते हैं, प्लस आपका जो नेम प्लेट होता है वो इंक्लूड होता है। एंड देन क्या होता है, सेकेंड ईयर से सिर्फ 1,25,000 लगती है, बाकी कुछ नहीं लगता। मतलब पहले साल में, फर्स्ट ईयर में ही आपको जो थोड़ा बजट है वो प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा जाता है, सेकेंड ईयर से बजट थोड़ा कम हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा इतना लग सकता है। तो ये रही हमारी एक्सपेंसेस की बात, हमने कर ली कि इतना आपको अमाउंट लग जाएगा फर्स्ट ईयर में अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। दूसरी चीज आती है पढ़ाई को लेकर के, तो तुम थोड़ा अपने कॉलेज में पढ़ाई के बारे में भी बताओ। क्या होता है कि बहुत मिसकंसेप्शन होता है सभी का कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो पढ़ाई तो होगी नहीं, लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जैसे हमारी मेडिकल कॉलेज है वो एफिलिएटेड है MPMS, जो हमारी भी यूनिवर्सिटी है, सो हमें एग्जैक्टली हाँ जो तुम्हारी भी है, तो क्या होगा कि हम लोग फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो हमें कम्पीट करना है सिर्फ हमारे मेडिकल कॉलेज के बच्चों से नहीं, इवन जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं MP में, सभी के साथ में कम्पीट करना है। सो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती है, प्रोफेसर्स रहेंगे, सारे डाइसेक्शंस प्रॉपरली कम्प्लीट करवाएंगे, सही से करवाएंगे,
प्रैक्टिकल सारे सारे करवाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बट एट द एंड इट्स अप टू यू, पढ़ना है तो पढ़ो। देखो गवर्नमेंट कॉलेज में भी सेम होता है, टीचर्स करवा देते हैं पढ़ना खुद से, तो कोई भी कॉलेज को ये मत सोचो यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती, कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पढ़ाई होती है, वो पढ़ा देते हैं पढ़ना खुद से, ये हर कॉलेज का फंडा है। और एक और चीज आई वॉन्ट टू से कि अभी जैसे कि फाइनल ईयर था, जो मेरे कुछ रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं तो वो MPMSU में टॉप 10 में आए हैं, एंड अभी इमीडिएट सीनियर्स हैं, उन्होंने भी टॉप 10 में सिक्योर किया अपना पोजीशन MPMSU में। सो अगर ऐसा होता कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है तो वो टॉप 10 में क्या वो लोग पास भी नहीं होते? सर सो कुछ नहीं है कि नहीं होती है, क्योंकि ये होगा ना इन फ्यूचर हमें भी उन्हीं पेशेंट को ट्रीट करना है जिसको आप लोग जो गवर्नमेंट वाले जिनको ट्रीट करेंगे, तो हमें भी उतनी नॉलेज होना चाहिए ना जितनी गवर्नमेंट वाले को होना चाहिए, तो सेम होता है। तो पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई इशू नहीं है। अब हम बात करेंगे कि कॉलेज की कल्चरल इवेंट्स कैसे होते हैं, कॉलेज में कैसा रहता है कि इवेंट्स को किस तरह से तुम लोग सेलिब्रेट करते हो। ओके सो यार कल्चरल इवेंट प्राइवेट है तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी होते हैं। अभी हमारा फेस्ट निकला है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मज़े किए हैं। सो ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में तो आपके फेस्ट होते हैं प्लस जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक गणेश चतुर्थी हुआ, अगर आप दिवाली पे अगर आप यहाँ पर स्टे कर रहे हो तो दिवाली सेलिब्रेशन हुआ, या जितने भी फेस्टिवल होते हैं, गरबा नाइट हुआ, तो हर एक सेलिब्रेशन होगा, जितने भी फेस्टिवल होते हैं सभी का सेलिब्रेशन होता है। सो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इवेंट सेलिब्रेट नहीं होंगे या फेस्ट नहीं होंगे, तो काफ़ी काफ़ी मज़ा आता है। एंड फिर सेकेंड ईयर में जाते हैं तो एम्स पल्स, जिसका तो सभी ने नाम सुना होगा, सबसे एक्साइटेड मोमेंट एक मेडिकोज के लिए, सो उसमें भी जाने का मौका मिलता है, तो काफ़ी मज़ा आता है, सारे इवेंट्स होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट के डाउट्स रहते हैं, कुछ मिसकंसेप्शन रहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप एमपी में पढ़ रहे हो और आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो रहा है, क्योंकि देखो एमपी में ऐसा नहीं कि आपको प्राइवेट कॉलेज 250-300 नंबर पे मिल जाएगा, एमपी में प्राइवेट कॉलेज के लिए भी बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि यह स्कॉलरशिप मिलती है, तो प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो आप लो, क्योंकि आपको एमबीबीएस करना है, आपको अगर ड्रॉप नहीं ले सकते हैं आपके ड्रॉप हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है विद स्कॉलरशिप, तो आपको प्राइवेट कॉलेज लेना एक सही ऑप्शन रहता है। और पढ़ाई की बात रही, फीस की बात रही, तो वो तो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ, एक और डाउट होता है कि अगर प्राइवेट कॉलेज में फेल हो जाते हो तो जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में बताओ कि वो स्कॉलरशिप का क्या रहता है, कि स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है, मिलती नहीं मिलती। जैसे मेधावी छात्र जो स्कॉलरशिप है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप फेल हो जाओगे तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी, तो क्या सीन है इसका, इसके बारे में भी बताओ। सो बॉन्ड का ऐसा होता है कि जैसे कि कोई बच्चा है, अगर फर्स्ट ईयर में उसकी बैक लग गई है किसी एक सब्जेक्ट में, तो मेन रूल ये होता है कि जब तक वो इंसान उस एग्ज़ाम को क्लियर ना कर ले, उसकी जो स्कॉलरशिप रहती है वो पॉज पर रहती है। जैसे अगर एक सब्जेक्ट में उसकी बैक लगी, फॉर एग्जांपल एनाटमी में, तो जब तक वो एनाटमी का एग्ज़ाम क्लियर ना कर ले तब तक उसकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। लेकिन अगर वो पूरे सब्जेक्ट में फेल है, उसे पूरा सेशन रिपीट करना पड़ रहा है, हाँ इन दैट केस वो जो स्कॉलरशिप होती है वो कैंसिल हो सकती है, फिर गवर्नमेंट पे नहीं कर पाएगी, क्योंकि ओबियसली ओवरलैप हो जाते हैं दो ईयर। सो पूरा अगर पूरा सब्जेक्ट का बैक लगा, दैट इज़ फेल हुआ हमारा, तो फिर कैंसिल होती है, वरना अगर आपका एक सब्जेक्ट में बैक लगता है, आप उसकी सप्ली देते हो एंड पास हो जाते हो, तो फिर आपका स्कॉलरशिप वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं रहता है। तो मतलब स्कॉलरशिप इस तरह से रहती है, अगर आपको बैक लग रही है तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, मतलब हाँ स्कॉलरशिप मिल जाती है, और अगर आप पूरी तरह से फेल हो जाते हैं तो फिर स्कॉलरशिप बंद भी हो सकती है। तो ये स्कॉलरशिप का भी डाउट क्लियर हो गया है, और प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स थे जो मैंने ऑलमोस्ट क्लियर करने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच सृष्टि इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, और जो भी आप लोगों को डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी डाउट्स होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगी बाकी डाउट्स के लिए। थैंक यू सो मच सृष्टि।